चार। एक नारी वो है जो हाथ में रहती है और एक नारी हाथ में भी होती है। हाथ की नारी बंद हो तो हुई ना तेरी ख्वारी ता से धाकी कर लगा। मेरा मतलब है वो कभी कह रहा है अगर स्त्री घर में जगत में चार तरह की ना अनुसुईया ने सीता को उपदेश जब दिया था ना चित्रकूट पे, तो अनुसुईया ने कहा था सुनो सीता तुमने बहुत अच्छा किया, जब 14 साल वन में व्यतीत करने चली आई पिया फिरे पर के समय पावे कष्ट अपार पत्नी जो सुख से रहे तो जीवन धिक्कार। जिस स्त्री का पति दुख उठाए और पत्नी आनंद से जिए अच्छा किया तुमको यहाँ तक जन्मी आए। तब अनुसुईया ने कहा था कि स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र है और पति की सेवा के अलावा स्त्री के पास कोई चारा नहीं है भव सागर से निकलने का। फिर ये भी कहा था कि दुनिया भर में केवल 4 तरीका की महिलाएं होती हैं, उत्तम मध्यम लघु और अधम। संसार भर में 4 तरीका की होते हैं, इनमें अंतर क्या है? सबसे पहली नारी उत्तम, जो उत्तम विचार की महिलाएं होती हैं। पहली नारी उत्तम समझो ऐसो वेद बतावे जो पर पति को देखन के काजे पलकों नाए उठावे सो नारी खुद तरे संग में दोनों कुल को तरावे। जो उत्तम प्रवृत्ति की महिलाएं हैं उत्तम विचार की जो महिलाएं हैं वो सपने में भी पराए पति को नहीं चाहती। दूसरी मध्यम नारी, दूसरी मध्यम जानो बोले मीठी पानी पप्पन पति को भाई सब समझे राखे ना खिलानी। जो दूसरे तरीका की महिलाएं हैं वो पराए पति को देखती तो हैं लेकिन पवित्र भाव से, बराबर का है उसे भाई की नजर से, अपने से बड़ा है उसे पिता की नजर से, अपने से छोटा है उसे पुत्र की नजर से देखती है। ये दूसरे तरीका की स्त्रियां हैं। तीसरी लघु नारी, तीसरी लघु पर जान और रहती है जिन मन में और पर पति को भोगन की आशा रखती बेशक मन में कुल मर्याद नाच के कारण जाए न काम सदन में। तीसरे तरीका की जो महिलाएं होती हैं वो पराए पति से मिलना तो चाहती हैं लेकिन समाज की लोक लाज के कारण वहां तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए धर्म और का फिर भी साबित बना रहता है। तीसरे तरीका चौथी अधमा भगवान नहीं रहता। चौथी नारी अधम कर जानो बनी रहे बीमार और जग में जाहे एक पति है दुख रहे जगत में चार कर पागल पे भूल गए बाकी सोचना फिर जिस बुराई मैं तो किसी की बुराई कर मेरी आदत ही नहीं किसी की बुराई अब कहेंगे तो हम अपने घर की कोई बात कहेंगे सवेरी उठे अवेरी घर घर फेरी दे पर सवेरी उठे अवेरी घर घर फेरी दे भोर हो तो बच्चन को मारे पद को कारी से अरे अरे भुवरिया भुवरिया अब देखा होगा आप लोगों ने पूजा पाठ तो शांति ना
चार पांच गुना पर मैंने तो यहीं तक दशा दे दी है। कसको नौ रुपए सुख को महीना पहले तो दे दी है। अब अगर नौ तो रखा ना मैं नौ तो ना पानी उठाए पी आ देख ली और पानी के था रात को ठीक है रोटी खा लेती सवेरे तक फिर तो सुनू मां सरकारी बैठे आंगन में लोटा भरे अनार हाथ जोड़ी देवी से बोली सब पर काय को कार्य का कोई इंतजाम कर रहे तो आप देखें उसी जगह पत्नी अपने पति के चेहरा को देख के सारी कहानी समझ गई। प्रश्न किया श्रीमान क्या हुआ हर्षत ने सारी व्यथा सुनाई। जवाब दिया तारा एक महात्मा ने धोखा दे करके हमारा सब कुछ जीत लिया। राज्य चला गया धन धाम चला गया जिसकी हमें चिंता नहीं है पर वह केवल इस बात की है कि सब कुछ जाने के बाद भी मैं ऋणी हूँ अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है तारा। बात में फंसा हुआ इंसान किनारा नहीं पाता है। आज मैं उलझ गया अपने ही बिने हुए जाल में महात्मा ने धोखा देकर के सर्वस्व छीन लिया। ये पूछने आया हूँ क्या तो मेरे साथ टिक सकती हो मेरी मुसीबत में थोड़ा साथ निभा सकती हो क्या तकलीफें उठा सकती हो। कोई भी इंसान अपनी स्त्री को कभी बेच कर नहीं और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। पत्नी बोली श्रीमन तुम तो ऐसे पूछने लगे जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी। इस शरीर पर आपका हक है आपका अधिकार है सुख और दुख में साथ देना ही पत्नी का कर्तव्य है। पति को खुश रखना ही पत्नी का लक्ष्य है धर्म है और ये सच है। हर माँ बहन को ये सोचना चाहिए अपनो पति चाहे निर्धन होए चाहे हो वे बलहीना हंसी खेल के सबे गुजारो मोहब्बत करो मलीना जिंदगी रूपी रथ के दोनों पहिया होते हैं। अगाड़ी में एक भी पहिया कमजोर होता है तो चलने में झटका लगता है। इसलिए बिने जग के लोगों ये कमानो सीख हमारी प्यार से राखो नारी घर में भोरी हो जाए खारी। को बार बार प्रणाम करने के बाद में धर्म के दीवाने जब घर छोड़ करके चले हैं तारा की दासी तारा को जाते हुए निहार करके रो पड़ी है तो तारा ने अपनी दासी के हाथ अपने हाथों में लिए हैं और कहने लगी सहेली रोना ही तो बोली क्या करूं तुम अपने कैसे रहोगी घरे अकेली किससे मन की रहूं
खुशी की बात है। इस महिला को और इस बच्चे को, इन दोनों को हमें दे दो। ये बच्ची जो है ना, हमारे आश्रम पर खाना बनाने का काम करेगी, कुछ और भी करेगी। और ये बच्चा कुछ नहीं करेगा तो पूजा के लिए फूल लाता रहेगा, बड़ा हो जाएगा तो कुछ और भी काम करेगा। 40 भार सोना ब्राह्मण की तरफ से मंगाया गया, 20 भार सोना मेहतर की तरफ से मंगाया गया, कीमत चुका दी गई। जो कीमत चुका दी गई, पहले तो तारा रोहितास हरिश्चंद पास ही पास खड़े थे। कीमत जब चुका दी गई तो हरिश्चंद मेहतर के पास बढ़ के खड़े हो गए। तारा और रोहितास हरिश्चंद के पास से हटके ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। कीमत जैसे चुकाई गई, तीनों प्राणी अलग अलग हो गए। हरिश्चंद पत्नी की ओर देख के रोए, आंखों से आंसू बह आए, जो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए। फटी फटी आंखों से पत्नी की ओर देखने लगे और एक शब्द कहा के जाओ रानी तारा, जहाँ रहना वहाँ सुखी रहना। इंसान किसी को सुख न दे तो उसे दुख भी नहीं दे। कहाँ लिखा है कि जिसके लिए फूल न बन सका उसके लिए सूल भी नहीं बनो। अगर भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। किसी की आत्मा को सुख नहीं देना चाहते हो तो दुख भी मत दो। मगर मैंने तो आज वो किया है जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। हर मुसीबत झेल लेता है प्राणी, लेकिन अपनी स्त्री को कभी बेच नहीं पाता। जाओ तारा, टूट गए सारे रिश्ता। बड़े बड़े संकट तुमने उठाए मेरे साथ, मेरे कहने से तुमने अपना सुख छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ करके बिखरे चले गए। हरिश्चंद जब रोए और कहा कि जाओ रानी तारा, इसका सब टूट गए, न मैं तुम्हारा पति रहा तो मुक मेरी पत्नी रही। और ये कहा, जाओ जहां रहना वहां सुखी रहना। उसी समय तारा ब्राह्मण विश्वामित्र से कहने लगी है, श्रीमन अगर हमें बेचने लाए हो तो हम तीनों प्राणियों को कहीं एक जगह भेज दीजिए। जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती, पतिव्रता स्त्री भी बिना पत्नी के, वो बिना पति के जीवित नहीं रहती। बिना पति के दर्शन के मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। विश्वामित्र बोले, किसने कहा कि जियो, मरी जा, मरी जा। संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा मिल गई हो, जिंदा रहो, मरी जाओ, हमें क्या लेना। हाँ ले जाओ, हम तो गए। महतर के साथ हरिश्चंद और ब्राह्मण के साथ रानी तारा चल देते हैं। क्या गुजरती होगी पत्नी के दिल पर जब दोनों को जबरदस्ती जुदा किया गया। मुड़ मुड़ करके एक दूसरे की ओर देख लेते हैं, पत्नी से नहीं रुका गया। हरिश्चंद जब दूरी पर निकल गए तो एकदम से तारा पीछे पीछे भागी।
और आवाज लगाई, अपने पति के काश के लिए भाभी सोचती जा रही है, कुछ नहीं बचा मेरे शरीर, कुछ नहीं रहा मेरा सुख चैन और जीवन की मेरा जीवन लिया, मेरा सुख चैन और जीवन की मेरा जीवन लिया, यही एक धन था और वो भी मुझसे जुदा किया। चंद कहने लगे, बिना मतलब में मोह में फंसना अज्ञानता है तारा, चाहिए। ब्राह्मण के साथ रानी तारा चली आई, महतर के साथ हरिश्चंद चले गए। अब क्या हुआ जरा आगे गौर करते हैं। ये 50 रुपया हमारे पास भेजवा रहे हैं राम बरन जी की तरफ से, ये 50 रुपया और राम बरन सिंह जोरी के नगरा के रहने वाले हैं उनकी तरफ से, और ये 100-100 रुपया सब लोगों के लिए, यानी 100 रुपये हमारे पास और 100-100 रुपया सभी साथियों को भेंट करते हैं। दिनेश कुमार की तरफ से ये 100 रुपया हमारे पास, 100-100 रुपया सभी साथियों के लिए। कामना करते हैं भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, सुख शांति देता रहे। आइए कथा में देखें आगे। हुआ ऐसा, रात भर लेट करके हरिश्चंद्र ने विश्राम किया है वहां, और जैसे ही सवेरा हुआ महतर ने हरिश्चंद्र को जगा दिया। क्या हो रहा है, सो रहे हो? अरे भैया जगो, देखो 20 बार सोना दे के इसलिए नहीं खरीदा है कि तुम लेट के सारे दिन विश्राम करो। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, बार बार कहने का मेरा स्वभाव नहीं है, है? हाँ, सुबह जल्दी जगो, काशी की गलियां साफ करके आओ, उसके बाद तुम्हें खाना दिया जाएगा, और भोजन करने के बाद आराम नहीं करोगे, जो भी काम होगा वो हमारे आदेश के अनुसार होगा। अब खड़े खड़े मौके और क्या दिख रहे, जाओ ना जल्दी। काशी की गलियां साफ करने चले, सच कह रहा हूं भाइयों, समय का कोई पता नहीं है किस मोड़ पे छोड़ के चला जाए। समय बड़ा बलवान होता है, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वो हमेशा चलता रहता है, और समय की कीमत न समझने वाला इंसान आजीवन ठोकरे खाता है, जीवन भर पछताता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहेगा जमाना किसी। समय आता है चला जाता है फिर आ जाता है। मेरा मतलब है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, तुम इंतजार करो। खैरा कभी हर आदमी के जीवन में सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे।
जैसा नहीं रहता। सूर्य पूरब में उगता है तो परछाई पश्चिम को भाग लेती है, शाम को पश्चिम में अस्त होता है तो परछाई बिना कहे सुने पूरब को भाग जाती है।